भाजपा ने बैतूल की मुलताई विधानसभा से चंद्रशेखर देशमुख को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पहले भी दो बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। चंद्रशेखर देशमुख से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि वे पार्टी और संगठन के लोगों के साथ निरंतर गांव जा रहे हैं और लोगों की समस्या को समझ भी रहे हैं। किसानों के लिए छोटे छोटे डैम बनाकर पानी उपलब्ध करवाने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने आगे कहा कि जनता मेरे साथ है और हमारी जीत सुनिश्चित है। साथ में मुलताई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख है। हम इनसे जाने की किस तरह से उन्होंने इस चुनाव को लेकर रणनीति अपनाई है और क्या इस क्षेत्र की जनता के लिए कर पाएंगे। चंद्रशेखर जी बताएं किस तरह से रणनीति बनाई है क्षेत्र में जनता के विकास कार्यों के लिए। आपने विकास कार्यों के लिए मैं लगातार मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर गाँव में जा रहा हूँ और गाँव की समस्याओं को मैं समझ रहा हूँ कि क्या क्या समस्या है। आने वाले समय में मैंने पहली योजना के लिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि पहले सबसे ज़्यादा लाभान्वित किसान को किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र मुलताई में स्थापित किया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है लेकिन उसका कारण अपूर्ण है, उसको पूर्ण कराकर यहाँ के लोगों को रोजगार एवं छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाए। कांग्रेस पार्टी ने भी जो उम्मीदवार सुखदेव पांचे बनाया वो भी आप ही कुणबी समाज से है, आप भी कुणबी समाज से, आपको क्या लगता है कि कुणबी समाज मतलब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर माना जाएगा चुनाव प्रभावित करने में? नहीं, कुणबी समाज कोई फैक्टर नहीं माना जाता। माना तो यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के सभी लोग हैं और इतनी सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है कि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो लाभान्वित नहीं हो रहा, तो सब व्यक्ति लाभान्वित हो रहे और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कुणबी समाज के लोग शायद ज़्यादा चंद्रशेखर देशमुख को लाइक करते हैं, इसलिए इनके पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव का मतदान ही क्लियर कर पाएगा कि वो किसके पाले में जाता है और किस तरह की जीत किसको मिलती है। नंदकिशोर पवार, IBC 24, मुलताई विधानसभा क्षेत्र से।